हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग सीरीज के डे 92 में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जो लोग मेरे बारे में चैलेंजिंग सीरीज राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम लोगों का स्पेशल मैथ टेस्ट चल रहा है BSC अकेडमी पटना में। जो लोग पटना से हैं, इस टेस्ट का पार्ट बन सकते हैं। राजेंद्र नगर ब्रांच एंड बोरिंग रोड ब्रांच दोनों ही जगह ये टेस्ट अवेलेबल है। देखो आज का सवाल क्या है, बहुत अच्छा सवाल है आज का। क्या बोल रहा है, इन अ स्टोर मार्क प्राइस ऑफ अ शर्ट इज 33.33% लेस देन द मार्क प्राइस ऑफ जीन्स। ठीक है, तो सारा चीज़ हम लोगों का फ्रैक्शन में चलेगा। जैसे ही 33.33% आया, इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/3 होती है। ठीक है, 1/3 जब हो गई तो यहाँ से क्या बोल रहा है, कम बोल रहा है, यानी कि निगेटिव का साइन लगा। किससे कम बोल रहा है, जीन्स से, यानी कि नीचे वाला जो हो जाएगा ओरिजिनल किसके लिए होगा, जीन्स के लिए। ठीक है, तो जीन्स में आते हैं, जीन्स में हमारा क्या हो गया, 3 हो जाएगा। 3 में जब 1 की कमी होगी तो शर्ट का क्या हो जाएगा, हमारा मार्क प्राइस, शर्ट का मार्क प्राइस हो जाएगा 2। ठीक है, अब चूंकि आगे हर कुछ परसेंटेज के ऊपर ही करना है, तो इसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में बोल दिया 300x और यहां से क्या बोल दिया, 200x। ठीक है, अब देखो क्या बल रहा है, देयर आर टू डिस्काउंट स्कीम, दो डिस्काउंट स्कीम है, ए एंड बी। इन स्कीम ए, इफ समवन बाइज वन जीन्स एंड वन शर्ट टुगेदर, स्कीम ए में यदि जीन्स और शर्ट दोनों साथ में लेते हैं, देन द स्टोर गिव्स ओवरऑल डिस्काउंट ऑफ कितना, 35%। ठीक है, ओवरऑल डिस्काउंट कितना होता है, 5। तो ए में हमारा, ए में हमें क्या बोला कि अगर हम दोनों साथ में लेते हैं, यानी 300 और 2 कितना हो जाएगा, 500 पे हमें कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है, 35% का, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, 500x। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 65/100 बराबर में क्या, सेलिंग प्राइस। स्कीम ए के तहत 00 यहाँ से कट जाएगा, 65 × 5 जब करेंगे तो ये हमें देगा 325x, और यहाँ से हमारा स्कीम ए का जो है सेलिंग प्राइस निकल गया। ठीक है, अब देखो स्कीम बी के अंतर्गत क्या बोल रहा है। स्कीम बी में बोल रहा है, वाइल इन स्कीम बी इफ समवन बाय वन शर्ट एंड वन जीन्स सेपरेटली, अगर अलग अलग खरीदता है, स्टोर गिव्स 20% डिस्काउंट ऑन शर्ट एंड 25% ऑन जीन्स। शर्ट पे कितना परसेंट का डिस्काउंट, 20% का, तो 200 पे 20% डिस्काउंट मतलब क्या, 200x पे 20% का डिस्काउंट मतलब क्या, 80/100। ठीक है, और शर्ट हमारा 300x है, जीन्स हमारा 300x है, तो 300x पे जो डिस्काउंट देगा 25%, यानी कितना, 75/100। ठीक है, ये हमारा शर्ट के लिए, ये हमारा किसके लिए, जीन्स के लिए। ठीक है, यहाँ से देखो 00 खत्म हो गया, यानी कि इसकी सेलिंग प्राइस कितनी निकल गई, 160x, और यहाँ से ये 00 हमारा खत्म हो गया, तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी निकल गई, 225x। ठीक है, तो कंबाइंड सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, कंबाइंड सेलिंग प्राइस हो जाएगा 385x। ठीक है, कंबाइंड सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 385x। अब आगे क्या दिया है सवाल में, If the difference between the selling price of one jeans and one shirt in scheme A and B is 384, जो selling price का अंतर है scheme A और scheme B से, वो कितना है, 384 का है। तो यहाँ से 384 जब आया, तो scheme B में देखो हमारा 385x निकला था selling price, और जीन्स यहाँ पे स्कीम ए का जो हमारा सेलिंग प्राइस निकला था, वो कितना निकला था, टोटल जो सेलिंग प्राइस 325, इन्हीं दोनों का अंतर दिए हुए है 325x इज इक्वल टू, कितना अंतर दिए हुए है, 384। ठीक है, यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ से हमारा 60x आ जाएगा इज इक्वल टू 384, और x की वैल्यू यहाँ से आएगी 64/10। ठीक है, 64/10, यहाँ तक ये x का वैल्यू निकल गया। अब सवाल में हमसे पूछा क्या है, सवाल में पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन जीन्स एंड वन शर्ट। कॉस्ट प्राइस निकालना है एक जीन्स और एक शर्ट का, गिवन दैट स्टोर मेड ऑफ, मेड ऑफ मतलब क्या, प्रॉफिट। ठीक है, स्टोर मेड ऑफ करता है 33.33% ऑन शर्ट एंड 25% ऑन जीन्स। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला, इसकी जीन्स व्हेन इट सोल्ड वन जीन्स एंड वन शर्ट इन स्कीम बी। ठीक है, स्कीम बी पे, स्कीम बी पे हमें काम कराना है। ठीक है, स्कीम बी में देखो क्या बोल रहा है कि शर्ट पे जो है वो 33.33 यानी 1/3 के प्रॉफिट पे बेच रहा है उसको। तो जब मुझे SP निकालना रहता है, तो हम उसको किससे गुना करते हैं, 3 में 1 बढ़ा देते हैं, यानी कितना, 4/3 से गुना करते हैं। सेम कंडीशन जीन्स के साथ भी, जीन्स के साथ भी क्या है हमारा, 25% यानी कितना, 1/4 प्रॉफिट है, तो 4 में 1 बढ़ा दिया, यानी कि SP निकालने के लिए क्या करेंगे, 5/4 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब स्कीम बी के तहत हमें चलना है, तो बी के तहत देखो क्या बोल रहा है कि बी के तहत हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है एक जीन्स का और एक शर्ट का, तो CP ऑफ वन जीन्स। ठीक है, जीन्स पे पहले आते हैं, तो CP ऑफ एक जीन्स क्या होगा, अगर सेलिंग प्राइस पे आना है, प्रॉफिट जीन्स पे हो रहा है 1/4 का, तो सेलिंग प्राइस पे आने के लिए क्या करेंगे, 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो CP जो होगा इंटू क्या, 5/4 इज इक्वल टू हमारा SP होगा।
एक जींस का देखो, आपने अभी निकाला था एक जींस का, आपका एसपी जो था, एक जींस का एसपी कितना निकाला था आपने? 225x, यहाँ पे लिख दो 225x, यानी कि सीपी क्या हो जाएगा हमारा? सीपी इक्वल टू हो जाएगा 225x की वैल्यू रख दो 64 अपॉन में 10 और इंटू कर दो 4/5 से, ठीक है। इसे काट छाट लेना है, इसे काटने छाटने के बाद आसानी से काट छाट सकते हो आप। इसे काटने के बाद आपको मिलेगा 1152, ठीक है। 1152 क्या हो गया? एक जींस का सीपी, ठीक है, 1152 रुपीज। अब आगे देखो, उसी तरीके से मुझे क्या निकालना है, एक शर्ट का भी निकालना है। तो एक शर्ट का जब निकालेंगे तो सीपी ऑफ क्या, वन शर्ट, एक शर्ट का क्या हो जाएगा हमारा, एक शर्ट में प्रॉफिट हो रहा था 1/3 का, तो हम जब एसपी निकालेंगे तो क्या 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो गुना क्या करना है 4/3 इज इक्वल टू, एसपी पे आते हैं, एसपी हमारा कितना है, एसपी हमारा है यहाँ पे शर्ट का 160x। अभी हमने निकाला था एसपी कितना निकला था, 160x, बराबर में क्या कर देना है 160x। तो जब सीपी पे आएंगे तो सीपी पे फिर वही 160x की वैल्यू कितनी, 64 अपॉन में 10 और 4/3 है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ठीक है। इसे भी आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद ये हमें देगा यहाँ से 768 रुपीज़, और इसी के साथ एक जीन्स का जो हमारा दाम है वो है 1152 रुपया, और एक शर्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा कितना है 768 रुपीज़। एंड आंसर, होप आप लोगों को ये क्लियर होगा।